नमस्कार दोस्तों, BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की आप लोग के इस रेलवे NTPC और ग्रुप डी की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम में आ चुके हैं जनरल अवॉर्डेंस के, वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहेगा और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखेगा और इसकी PDF फाइल भी आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी और लिंक जो है फिलहाल वो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। तो देखिए, आपको यहाँ पर ये बताना है कि 1905 की बात है जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय है ये किसके द्वारा लिया गया था। देखिए, पार्टीशन की टाइम की बात करें जब बंगाल का विभाजन हुआ था, फिलहाल बंगाल के विभाजन की जब घोषणा की गई थी ये की गई थी 19 जुलाई 1905 को। कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को ये की गई थी यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर फिलहाल डी आया है, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट आंसर होगा आप लोग का लॉर्ड कर्जन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए फिलहाल सभी लोग तैयार रहिएगा और बताएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा। काकोरी षड्यंत्र कांड ये किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों, जो काकोरी षड्यंत्र कांड है ये कब हुआ था, अब आप सभी को यहाँ पर ये बताना है। देखिए, जिसका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर काकोरी कांड का, देखिए ये हुआ था आप लोग का फिलहाल 9 अगस्त 1905 हुआ था। काकोरी कांड जो है फिलहाल ये एक प्रकार की जो ट्रेन रॉबरी थी, ठीक है, जो कि आप लोग का काकोरी और लखनऊ के पास काकोरी के बीच में जो स्थान पड़ता है वहाँ पर हुई थी और ये फिलहाल 9 अगस्त 1925 को हुई थी। जिसका भी आंसर यहाँ पर ए आया, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। अब आपको बताना कि भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फॉर ग्रुप डी एग्जाम के लिए सभी लोग जानते हैं, करेक्ट आंसर है आप लोग का सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट फीमेल टू बिकम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य में भारत के बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो सबसे बड़ा हिस्सा फिलहाल आप लोग का राजस्थान राज्य का है। इसके बाद देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो सबसे ऊंची जो चोटी है ये कौन सी है आपको यहाँ पर ये बताना है। फिलहाल ये है आपकी सैंडल पीक। सैंडल पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से सी वाला। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश ये बंदरगाह विहीन देश नहीं है? तो देखिए, सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिलहाल आपका क्या आएगा यहाँ से, ए बी सी या फिर डी में से? चलिए फिलहाल दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये बताइए कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश ये बंदरगाह विहीन देश नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा फिलहाल आप लोग का बी वाला, म्यांमार, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिलहाल आप लोग बताइएगा, सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को ये कहाँ पर हुआ था? देखिए, आप लोग भी जानते हैं ये फिलहाल आप लोग का हुआ था मेरठ से, ठीक है ना, करेक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से मेरठ। इसके बाद देखिए आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी यहाँ पर वायसरायटी में जो है श्वेत विद्रोह हुआ था? देखिए, यहाँ पर आपको ये बताना है किस जो है वायस रॉयलिटी में जो है श्वेत विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर NTPC एग्जाम के लिए। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर वो थे आप लोग के द वाइट इम्यूनिटी टू प्लेस ड्यूरिंग द वाइस रॉयलिटी ऑफ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन में जो है टाइम में जो है श्वेत विद्रोह हुआ था, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का यहाँ से लॉर्ड रिपन, ओके। अब देखते हैं फिलहाल आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ये बताना है भारत पर ब्रिटिश राजनीतिक बोलबाला इसकी शुरुआत का पता किस लड़ाई से लगाया जा सकता है? देखिए, इसकी जो शुरुआत का पता है फिलहाल ये आप लोग की एक ही लड़ाई थी आप लोग की, प्लासी बैटल, द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना। तो प्लासी के युद्ध से ये निर्णय लिया जा सकता है जो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विक्ट्री हुई थी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल, तो बंगाल के नवाब पर, ठीक है, तो इससे है पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ से सही जवाब होगा फिलहाल आप लोग का बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ, आपको यहाँ पर ये बताना है कि निम्नलिखित में से विश्व में हरित क्रांति का जनक यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, तो फिलहाल इसके कौन है फादर? तो इसके फादर हैं आप लोग के डॉक्टर नॉर्मन वोरलॉग। द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू द नॉर्मन वोरलॉग एंड अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हु इन 1970 वॉज अवॉर्ड द नोबेल प्राइज नोबेल पीस प्राइज फॉर ब्रीडिंग हायर इल्ड।
वराइटीज़। तो करेक्ट आंसर फिलहाल आप लोग का क्या होगा, ये होगा आप लोग का यहाँ से डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फिलहाल आप लोग बताइएगा, सियाचिन ग्लेशियर का विवाद जो है किसके बीच में है। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें करेक्ट आंसर होगा आप लोग के यहाँ से सी वाला, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ये बताना है ट्यूरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। आपको दिया गया यहाँ पर ट्यूरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यानी कि HEPP, ये किस राज्य में स्थित है। फिलहाल दोस्तों आप सभी को बता दें करेक्ट आंसर होगा सेकंड का आपका बी वाला, मिजोरम में। तो दोस्तों ये जो डैम है फिलहाल ये आप लोग का मिजोरम में है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए फिलहाल आप लोग बताइएगा समुद्र का एक विस्तृत इनलेट आम तौर पर अवतल आकार का होता है, इसे क्या कहा जाता है। समुद्र का एक विस्तृत इनलेट आम तौर पर अवतल आकार का होता है, फिलहाल इसे क्या बोला जाता है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सही जवाब होगा आप लोग कैसे सी वाला, बे यानी कि खाड़ी। तो करेक्ट आंसर फिलहाल आपका क्या होगा, ये होगा आपका सी। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, पंजाब में बड़ी संख्या में जल निकासी नहरें हैं जिनसे पानी निकलता है, ये कौन सी नदी है। फिलहाल देखिए आपको बता दें करेक्ट आंसर जो है फिलहाल ये आपका है सतलज नदी, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब आप लोग को यहाँ पर ये बताना है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है फिलहाल ये कब हुई थी, ये आप सभी को बताना है। ये हुई थी फिलहाल आप लोग के 1876 में, यानी कि आप लोग का आंसर यहाँ से ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय हस्तशिल्प में किसकी वजह से तेज़ी से गिरावट आई है। तो भारतीय हस्तशिल्प में किसकी वजह से तेज़ी से गिरावट आई है। तो 6 क्वेश्चन का फिलहाल करेक्ट आंसर होगा आप लोग का डी वाला, क्योंकि संरक्षण का अभाव की बात करें चाहे आयातित सामानों के लिए बढ़ता क्रेज, चाहे इंग्लैंड मशीन निर्मित सामानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, इन सभी से ही बहुत बड़ी गिरावट आई थी। तो यहाँ से आपका आंसर होगा फिलहाल डी वाला बिल्कुल करेक्ट। अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, जैसा कि दोस्तों अब आप लोग को यहाँ पर ये बताना है क्वीन विक्टोरिया की ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को अधिकार हस्तांतरित करना, ठीक है ना, प्रसिद्ध उद्घोषणा ये कहाँ से की गई थी। तो 7th क्वेश्चन का फिलहाल करेक्ट आंसर आएगा आप लोग के यहाँ से डी वाला, इलाहाबाद से। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, 1893 के बाद जब कंपनी की सभी वाणिज्यिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था तो किसके द्वारा भारत को समुपयोजन के लिए जो है खुला छोड़ दिया गया था। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पर फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है NTPC एग्जाम के लिए। सही जवाब है फिलहाल आप लोग का ब्रिटिश व्यापारी और औद्योगिक वर्ग, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आप लोग ऐसे ब्रिटिश व्यापारी और औद्योगिक वर्ग। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी पत्र अनिवार्य रूप से उदारवादियों का नीतियों का मुखपत्र था। तो देखिए करेक्ट आंसर फिलहाल आप लोग का यहाँ से लीडर। तो दोस्तों यहाँ पर जो लीडर अंग्रेजी पत्र जो था वो अनिवार्य रूप से जितने भी उदारवादी थे उन सभी की नीतियों का एक मुखपत्र था, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिलहाल आप सभी को यहाँ पर ये बताना है कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की पद्धति क्या थी। तो ये थी फिलहाल संवैधानिक विधान। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए फिलहाल आप सभी को बताना है कि 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी। तो फिलहाल दोस्तों ये रहे आप लोग के सामने 4 ऑप्शन, कलकत्ता अधिवेशन की बात हो रही है तो फिलहाल किस नेता के द्वारा की गई थी। तो देखिए सही जवाब होगा फिलहाल आप लोग का यहाँ से फर्स्ट का डी वाला, तो करेक्ट आंसर आप लोग का दादाभाई नौरोजी, ये मैंने पहले भी आप लोग के साथ डिस्कस किया था। अब देखिए आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपको यहाँ पर ये बताना है आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास ये किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था। तो फिलहाल देखिए सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है पट्टाभी सीता रमैया जी के द्वारा, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि अगर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि भारत में जो है सिक्के में दशमलव प्रणाली में बदल गया था। देखिए भारत जो है ये कब जो है सिक्के के दशमलव प्रणाली में बदल गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और फिलहाल सही जवाब है आप लोग का इसका अप्रैल 1957 में, डी वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो इंडिया में जो है आप लोग का डेसिमल सिस्टम जो है ये कॉइनेज ये कब से शुरू हुआ था, ये हुआ था फिलहाल आपका अप्रैल 1957 से। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है हर समय जो है वर्षा होती रहती है, वर्ष भर जो है सालों साल जो वर्षा होती रहती है। तो ये फिलहाल आप लोग का भूमध्य रेखीय है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोग का आएगा यहाँ से डी। चलिए फिलहाल अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खारे पानी की झील नहीं है।
खारे पानी की जो झील नहीं है वो है आप लोग की बैकाल झील, ठीक है ना, बैकल लिखा है, बस करेक्ट आंसर आप लोग का बैकाल झील होगा। मिसप्रिंट हो गया, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी ये किसने लगाया था। ये क्वेश्चन भी NTPC की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जैसा कि दोस्तों आपको बता दें ट्री ऑफ लिबर्टी के बारे में, तो सही जवाब होगा आप लोग का टीपू सुल्तान, ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग के अध्यक्ष का पद ये कौन संभालता है। तो देखिए नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो है नीति आयोग के अध्यक्ष का पद संभालते हैं, तो सही जवाब होगा फिलहाल आप लोग कहिए, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए फिलहाल आप सभी को यहाँ पर ये बताना है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो 8th क्वेश्चन का फिलहाल करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला, लैटराइट मिट्टी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए फिलहाल प्राग की राजधानी जो है, प्राग जो है इसका राजधानी शहर कौन सा है। देखिए आपको बता दें यहाँ पर जो आपको दिया गया प्रेग, ठीक है ना, प्राग प्रेग बात एक ही है। ये फिलहाल आप लोग का चेक गणतंत्र राज्य की जो है राजधानी है, ठीक है ना, तो प्राग का जो है, प्राग जो है चेक गणतंत्र का एक राजधानी शहर है, तो सही जवाब होगा आप लोग का चेक रिपब्लिक। इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष जो है किस वर्ष में लागू किया गया था। दोस्तों जो आप लोग का 42वां संविधान संशोधन हुआ था, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और फिलहाल ये हुआ था आपका 1977 में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जाएगा वो 1977 आएगा, ठीक है। द 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी 25th जून 1975 टू 21st मार्च 1977। और किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी फिलहाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि उस टाइम इंदिरा गांधी जो थी इसकी अध्यक्ष थी, ओके। तो फिलहाल सही जवाब होगा आप लोग के यहाँ से बी वाला 1977। तो दोस्तों फिलहाल आज की क्लास अगर आप लोग को हेल्पफुल लगी हो, क्वेश्चन अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे हो, तो आप सभी लोग वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि आगे भी कंटिन्यू इसी तरीके से हम लोग आप लोग के साथ साइंस मैथ्स रीजनिंग, ठीक है, GS सारे क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करते रहें। बस आप सब लोग मिलकर सपोर्ट कीजिए अपने चैनल BSET की क्लासेस को। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSET की क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार।